कवर्धा के इंदौरी में 5 दिसंबर को लापता रानू साहू की लाश 12 दिसंबर को ग्राम इंदौरी के खेत में शतविशत मिला था। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 24 घंटे बाद रानू साहू के प्रेमी युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं मृतका रानू साहू के परिजन और साहू समाज के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना को किसी एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने का शक जाहिर है, साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रही है। मृतका के परिजनों और साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले को बारीकी से जांच कर हत्या में शामिल अन्य आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। ग्राम इंदौरी थाना पिपरिया का ये मामला है जिसमें पूर्व में एक बच्ची की हत्या हुई थी और इस हत्या के उपरांत प्रकरण में जांच के उपरांत जो आरोपी था उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में इंदौरी ग्राम के कुछ ग्रामीण और परिवारजन और समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में इसको गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलता पूर्वक जांच करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया।